हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में आप देख ही सकते हैं, हम लोग कैरी मिनाटी को ड्रॉ करेंगे एंड यूजिंग ये काजल। सो देखते हैं आज काजल से जो ड्रॉइंग है वो पॉसिबल होती है या नहीं होती। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। सो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग एक आउटलाइनिंग ड्रॉ कर लीजिएगा एंड हमारे पास सिर्फ एक ही शेड अवेलेबल है। सो ऐसा तो है नहीं कि जो काजल होती है वो अलग अलग शेड की होती है, एक ही शेड की होती है, तो इसलिए हमें एक तरीके से एक ही पेंसिल से पूरा ड्राइंग करनी है। सो इस वजह से हम लोग काफ़ी केयरफुली जो पेंसिल है वो चलाएंगे। सो देखिए, मैं यहाँ पर हल्की हल्की सी बस शेडिंग डाल रहा हूँ, जहाँ पर वाइट पार्ट्स है मैं थोड़ी सी पेंसिल चला रहा हूँ, बस जो आईब्रो मेकर पेंसिल है इसको बस थोड़ी सी चला रहा हूँ मैं। फिर इसके बाद इसी को हम लोग थोड़ा सा मर्ज कर देंगे, टिश्यू पेपर से थोड़ा स्प्रेड कर देंगे इसको। देखते हैं एट द एंड क्या रिजल्ट आएगा। मेरा भी फर्स्ट टाइम ही है, मैं भी पहली बार इसके साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, तो इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और रिज़ल्ट देख कर ही जाना। अब मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ ईयरबड, सो अच्छे हो रहे हैं मर्ज। ये देखिए ठीक ठाक हो रहा है मर्ज। बस मर्जिंग करते वक्त मुझे एक जो लिमिटेशन लगी वो ये लगी कि मर्ज तो हो रहे हैं पर उतने भी ज़्यादा मर्ज नहीं हो रहे, क्योंकि हम लोग टिश्यू पेपर से भी जब हम कर रहे थे या ईयरबड से जब भी हम कर रहे हैं तो मर्ज तो हो जा रहे हैं पर उतने ज़्यादा नहीं हो रहे। जो एक डार्क एरिया ऑफ हो जाता है तो वो हो ही जाता है फिर। एंड देख सकते हैं आप, जो इरेजर है वो भी उतनी अच्छी नहीं चल रही। बट रिज़ल्ट जो है वो अच्छा ही आ रहा है अभी तक, तो जितना हमने बनाया है अच्छा लग रहा है। देखिए मैं टिश्यू पेपर से इसको मर्ज कर रहा हूँ, मर्ज हो रहे हैं। सो अगर आप ड्राइंग करते अगर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो तो आप ट्राई कर सकते हैं, इससे भी इंटरेस्टिंग है ये। देखिए यहाँ पर मैं मर्ज कर रहा हूँ, अगर आप कोई और आइडिया देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं मेरे। देन हम लोग यहाँ पर मुस्ताचिस ड्रॉ कर रहे हैं। जो पेंसिल है उसको मैं बार बार शार्प कर रहा हूँ पर एक बिल्कुल जो शार्प लाइन है, जो बिल्कुल एक लेड बिल्कुल शार्प हो जाती है वो नहीं हो रही इसमें, थोड़ी मोटी सी यही नोक। सो इस वजह से स्ट्रोक्स जो है वो बिल्कुल शार्प नहीं आ पा रहे हैं। देन यहाँ पर हम लोग टीथ ड्रॉ कर रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पर हेयर ड्रॉ करेंगे, स्ट्रोक्स लगा रहे हैं हम। सो गाइस कमेंट में जरूर बताना कि आपको आइडिया कैसा लगा। एंड मैंने और भी एक्सपेरिमेंट्स किए हुए हैं मेरे चैनल पे, सो अगर कोई नया व्यूअर है तो उनको भी आप देख सकते हैं। मैं इसमें कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग डालता रहता हूँ चैनल में, सो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं जो इंटरेस्टिंग मैंने एक्सपेरिमेंट्स किया है उनके मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। एंड अगर आपको आउटलाइंस बनाने में डिफ़िकल्टी आती है तो मैंने उसके लिए भी वीडियो बनाई हुई है पोर्ट्रेट आउटलाइनिंग के लिए, सो उसका भी मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं चाहे तो। देन यहाँ पर बीयर्ड्स ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग। मैंने आपको बोला था जो शार्प स्ट्रोक्स है वो नहीं आ पाएंगे, बट स्टिल एक काफ़ी अच्छी लुक लग रही है। सो मुझे तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस लग रहा है अब तक ड्रॉ करने में, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी था और अच्छा भी लगा।
सो अगर आपके घर में कोई काजल वेस्ट पड़ी हो सो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, बिना पूछे मत लेना वरना मार पड़ेगी। देन यहाँ पर हम लोग गला ड्रॉ कर रहे हैं एंड जो हमारी नेक है सिर्फ मैं उसके वहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा बस डार्क कर रहा हूँ, फिर उसी कलर को मैंने वहाँ पर मर्ज कर लिया है, उसी काजल को सॉरी। देन उसके बाद हम लोग शर्ट ड्रॉ कर रहे हैं। एंड हम लोग बैकग्राउंड ड्रॉ कर देंगे। सो देखिए अब बैकग्राउंड ड्रॉ होने के बाद हमारा जो रिजल्ट है वो फाइनल आ चुका है। सो काफ़ी अच्छी लुक लग रही है, आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था एंड काफ़ी कूल लुक भी आई है ड्राइंग से। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच गाइज़।